लास्ट लेक्चर तक हाइड्रोस्टैटिक्स इस चैप्टर में मैंने आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ाए थे प्रेशर के, या फिर जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज है उसके बारे में मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके बाद कुछ प्रेशर के 3 टाइप्स जो थे, एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर, उसके बाद मतलब गेज प्रेशर, ये जो भी मतलब प्रेशर के टाइप से ये सब मैंने आपको पढ़ाए थे। ओके, हमारा एटमोस्फेयर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसे उसका वैल्यू होता है 1.013 इंटू 10^5 पास्कल। तो देखिएगा अब इस टॉपिक में नेक्स्ट बिट रहेगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड। प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड, तो लिक्विड कितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वो हमें देखना है। इसके लिए हमें क्या करना है आप देखिएगा, एक एक बीकर लेना है हमें, जिस बीकर में कुछ लेवल तक वाटर रहेगा। ओके, तो ऐसा एक बीकर है जिसमें कुछ लेवल तक वाटर है, और इस बीकर में जो वाटर रहेगा या फिर जो भी लिक्विड रहेगा उसका डेंसिटी रहने वाला है रो। ओके, रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड विच इज इनसाइड दिस बीकर। ओके, तो अब इस बीकर के अंदर है ना हमें एक सिलिंड्रिकल शेप का एक कॉलम कंसिडर करना है। ये वाटर का कॉलम है या फिर वो लिक्विड का जो कॉलम है सिलिंड्रिकल, ये ऐसा कॉलम रहेगा, और इस कॉलम का हाइट रहेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का h रहेगा। h इज द हाइट ऑफ दिस लिक्विड कॉलम। ओके, तो आप देखिएगा कोई भी चीज जब हम वाटर के अंदर डाल देते हैं ना तो उस चीज पर वाटर या फिर लिक्विड फोर्स एक्सर्ट करता है अपवर्ड डायरेक्शन में। आपको पता है, ये आपको पता होगा, कोई भी अगर हम जैसे एक रबर बॉल है जिसे हम टैंक के अंदर अगर डाल देते हैं तो रबर बॉल ऊपर फ्लोट करता है, आपने देखा होगा इस जीरो के, वो कभी नीचे नहीं जाता है। इसे अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो ना तो फिर ये वो जब तक फोर्स अप्लाई किया है तब तक वो नीचे रहेगा, जैसे आप हाथ हटा दोगे इस बॉल से फिर से वो बॉल ऊपर आएगा उछल कर। ओके, क्या आपने ये ऑब्जर्व किया है? तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि लिक्विड के अंदर कोई भी चीज जब हम डालते हैं ना तो लिक्विड उसके ऊपर क्या करता है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करता है, और इस फोर्स को क्या नाम दिया जाता है, बायोन फोर्स। इज इट ओके? सो दिस कॉल्ड एज अ बायोन फोर्स। ओके, तो लिखिएगा सबसे पहले बायोन फोर्स का डेफिनेशन लिखिएगा, द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। बायोन फोर्स मतलब ये जो डेरिवेशन है इसमें लिखा तो भी चलेगा, ये एक अनदर बिट रहेगा हमारा इस टॉपिक का, एक अनदर पैरामीटर रहेगा जिसको बायोन्सी या फिर मतलब इस फिनोमिनन को बायोन्सी कहा जाता है, और जो फोर्स होता है उसे बायोन फोर्स कहा जाता है। सो बायोन फोर्स हेडिंग दीजिएगा और उसका डेफिनेशन लिखिएगा, द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन पार्टली और फुल्ली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन पार्टली और फुल्ली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड इज कॉल्ड बायोन फोर्स, इज कॉल्ड बायोन फोर्स और अपथ्रस्ट, और अपथ्रस्ट। The tendency of a fluid to exert an upward force on an object placed in it, the tendency of a fluid to exert an upward force on an object placed in it is called buoyancy. Is called buoyancy. तो इसी बीट को बायोन्सी कहा जाता है। ओके, तो अब बायोन फोर्स लिख लिया है तो इससे रिलेटेड जो भी बीट्स है वो सब यही पर कवर कर देते हैं। लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ बायोन फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ बायोन फोर्स मतलब ये बायोन फोर्स किसके ऊपर डिपेंड रहेगा किसके ऊपर नहीं रहेगा ये सब हमें देखना है। बायोन फोर्स लिक्विड के डायमेंशन पर डिपेंड नहीं होता है,
लिक्विड का वॉल्यूम कितना है इसके ऊपर वो डिपेंड नहीं रहेगा। ओके मतलब लिक्विड का वेट कितना है, लिक्विड का मतलब जो भी मतलब पैरामीटर रहेंगे लिक्विड के उसके ऊपर वो इंडिपेंडेंट होता है। किस किस पर वो डिपेंडेंट रहेगा वो लिख लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट बायोन फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ बायोन फोर्स में लिखेगा फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी सबमर्ज्ड इन द फ्लूइड, मतलब कितना वॉल्यूम वो डिस्प्लेस कर रहा है वाटर में या फिर फ्लूइड में प्लेस करने के बाद, इसके ऊपर डिपेंड रहेगा बायोन फोर्स। जितना ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा उतना ही ज्यादा बायोन फोर्स रहने वाला है। तो सबसे पहला डिपेंडेंसी लिख लीजिएगा बायोन फोर्स का। द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड इन द फ्लूइड, मतलब जितना वॉल्यूम ज्यादा सबमर्ज होगा वाटर के अंदर उतना ही ज्यादा उसके ऊपर बायोन फोर्स रहेगा। ओके दूसरा रहेगा द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इन विच बॉडी इज सबमर्ज्ड, मतलब जो फ्लूइड रहेगा उस फ्लूइड का जो डेंसिटी रहेगा उसके ऊपर वो बायोन फोर्स डिपेंड रहेगा। इज इट ओके? दिस इज द सेकेंड डिपेंडेंसी, डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इन विच बॉडी इज सबमर्ज्ड। थर्ड है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब स्मॉल जी। फोर्थ है टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड का टेम्परेचर चेंज हुआ तो आपको पता है अल्टीमेटली डेंसिटी चेंज होता है, और डेंसिटी अगर चेंज हुआ तो डेफिनेटली बायोन फोर्स भी चेंज हो जाएगा। ओके सो इस वजह से हम बायोन फोर्स निकाल सकते हैं। जो भी चीज हम अंदर डालने वाले हैं उसका वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम इन साइड द लिक्विड। उसके बाद मतलब ये बायोन फोर्स निकालने का फॉर्मूला रहेगा, उसके बाद रो इंटू जी, तो ऐसा ये प्रोडक्ट रहेगा। रो इंटू वी मतलब ये उस बॉडी का मास रहेगा, और उसको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बायोन फोर्स मिल जाएगा। तो इस वजह से हम बायोन फोर्स निकालते हैं। अब देखिएगा ये जो डेरिवेशन ये इंपॉर्टेंट है, जब कभी भी हम हाइड्रोस्टैटिक स्टडी करते हैं तो सबसे पहला ये डेरिवेशन आता है। मतलब एक बीकर लिया था हमने, ओके, और इस बीकर के अंदर जो लिक्विड था उसका डेंसिटी रो था, ओके, और इस लिक्विड के अंदर एक एच हाइट रहने वाला एक लिक्विड का कॉलम हम कंसिडर कर रहे हैं। तो फिर ये जो लिक्विड रहेगा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, उसका वेट एक्सेड होने वाला है। मतलब सिर्फ हम उतने ही लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं जितना लिक्विड इस सिलेंडर शेप के अंदर आपको नजर आ रहा है। एक सिलिंड्रिकल कॉलम हम लिक्विड का कंसिडर करने वाले हैं, और इसका वेट क्या होने वाला है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। आपको पता होगा मतलब ये जो लिक्विड कॉलम रहेगा इसके ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट होने वाले, ये हमें यहाँ पर मतलब शो करना है, ठीक है। तो आप देखिएगा ये लिक्विड अगर आप अच्छे से देखते हो तो ये जो कॉलम रहेगा इसके ऊपर दो तरीके से फोर्स एक्सर्ट होने वाले हैं। ऊपर से एक फोर्स एक्सर्ट होगा F1, इज इट ओके? मतलब ये लिक्विड कॉलम जो रहेगा इसके ऊपर आपने देखा होगा ये लिक्विड जैसे खत्म होता है ऊपर एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर आपको पता है कल ही मैंने बोला था कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक प्रेशर एक्सर्ट करता है और उसे कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। तो ये पी नॉट भी एक्सर्ट होगा, और इस पी नॉट की वजह से भी इस लिक्विड के ऊपर के हिस्से में कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट होने वाला है। और प्रेशर आपको पता है प्रेशर को हम फोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रेशर इन अबव पार्ट इज डिनोटेड बाय P1, ओके, और ये P1 इज इक्वल टू F1 बाय A1 रहेगा। तो इस वजह से अगर फोर्स इन फर्स्ट कंडीशन अगर हमें निकालना है तो ये P1 इंटू A1 रहेगा, लेकिन ऊपर का एरिया ये वाला जो एरिया है और ये वाला जो एरिया है वो सेम ही रहेगा, इस वजह से हम A1 की जगह A से इंटीग्रेट करते हैं, इज इट ओके? तो ऐसा ये बीट रहेगा। तो ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में P1A इतना फोर्स एक्सर्ट होगा, लाइक दैट नीचे से भी ये लिक्विड इस कॉलम पर ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करने वाला है। कोई भी लिक्विड को जब हम रखते हैं ना बीकर के अंदर तो स्टैटिक कंडीशन में होता है, वो ऊपर नीचे नहीं होता है, ओके। तो इस वजह से उसके ऊपर जितना ऊपर से नीचे फोर्स एक्ट हो रहा है उतना ही नीचे से ऊपर भी एक्ट होता है। तो इस वजह से ये जो फोर्स रहेगा ये F2 रहेगा, इज इट ओके? तो F2 मतलब ये किस वजह से क्रिएट होगा, ड्यू टू द बायोन्सी, बायोन फोर्स रहेगा एक टाइप का ये, ओके। तो F2 इज इक्वल टू क्या आने वाला है, देखिएगा P2 इंटू A, सिमिलर टू फर्स्ट केस, जैसे F1 का वैल्यू हमने निकाला है वैसे मैंने यहाँ पर F2 का वैल्यू लिया है, दैट इज P2 इंटू A, एज वेल एज और एक बीट यहाँ पर एक्सर्ट होने वाला है इस लिक्विड कॉलम पर, उसका वेट, ये लिक्विड का जो मास रहेगा इस सिलिंड्रिकल ट्यूब के अंदर, तो वो M, और इसको G से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर नीचे के डायरेक्शन में ये MG एक्ट होने वाला है। तो आप अच्छे से देख सकते हो MG और F1 नीचे के डायरेक्शन में है,
और इसे बैलेंस करने वाला जो फोर्स है F2, ये ऊपर के डायरेक्शन में, तो लिक्विड ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहा तो फिर नीचे के फोर्स को ऊपर का फोर्स क्या करता है, बैलेंस करता है. ओके, सो इन इक्विलिब्रियम केस, सो इन इक्विलिब्रियम केस टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स. तो टोटल अपवर्ड फोर्स रहेगा F2 और टोटल डाउनवर्ड फोर्स रहेगा F1 प्लस mg. तो आप सभी वैल्यूज पुट करते हैं, F2 का वैल्यू रहेगा P2 इंटू ए, F1 का वैल्यू रहेगा P1 इंटू ए प्लस mg. तो मास इंटू ग्रेविटी रहेगा, ये मास उस लिक्विड कॉलम का है जो इनसाइड दैट सिलिंड्रिकल ट्यूब है. ओके, तो ऐसा ही बीट रहने वाला है. अब देखिएगा उस लिक्विड कॉलम के मास को हम रिप्लेस करने वाले हैं अब डेंसिटी के फॉर्मूले से. आपको पता होगा डेंसिटी टू वॉल्यूम, इससे हम रिप्लेस कर सकते हैं मास को. तो मैं मास को रिप्लेस कर रहा हूँ, ये वॉल्यूम क्या रहे, किसका रहेगा, उस लिक्विड कॉलम का. इज इट ओके? ये एरिया भी उस लिक्विड कॉलम का था और वॉल्यूम भी लिक्विड कॉलम का है. ठीक है, तो देखिएगा अब यहाँ पर मास को मैं रिप्लेस करने वाला हूँ रो इंटू वी इंटू जी से, रो वी जी प्लस पी वन इंटू ए और यहाँ पर रहेगा P2 into A. अब देखिएगा ये जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता होगा पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर उसका एरिया होता है. ओके, मतलब हम क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम को हम रिप्लेस कर सकते हैं एरिया इंटू लेंथ से. तो अगर मैं लेंथ मतलब यहाँ पर उसका हाइट रहेगा, तो इस वजह से मैं एरिया को अगर हाइट से मल्टीप्लाई करूंगा ना उस लिक्विड कॉलम के, तो मुझे उस लिक्विड कॉलम का वॉल्यूम मिलने वाला है. इज इट ओके? सो दैट्स व्हाई आई एम रिप्लेसिंग दिस वॉल्यूम बाय एरिया इंटू हाइट. ओके, इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और रो. तो ऐसा ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम को मैंने इस वे से रिप्लेस किया है. तो ये पी वन इंटू ए आएगा, ये पी टू इंटू ए आएगा. तो अब देखिएगा दोनों साइड से हम ए को कॉमन आउट कर सकते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से हम ए को कॉमन आउट करने वाले हैं. तो आगे ये क्या आएगा फिर देखिएगा, तो देखिएगा पी टू इंटू ए इज इक्वल टू पी वन इंटू ए, मतलब इसमें से आप हमें ए को कॉमन आउट करना है. तो क्या रहेगा फिर देखिएगा, ए इन ब्रैकेट पी वन प्लस रो इंटू एच इंटू जी. ओके, रो जी एच और फिर ये ए और ये ए बी कट हो गया, तो पी टू इज इक्वल टू रहेगा पी वन प्लस रो जी एच. इज इट ओके? तो ये P1 उधर जाके माइनस अगर होता है तो P2 माइनस P1 जो रहेगा, मतलब अपवर्ड प्रेशर माइनस डाउनवर्ड प्रेशर अगर हम प्रेशर हम करेंगे तो लिक्विड कॉलम कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, रो जी एच. ओके, इस रो जी एच को ही कहा जाता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम. ओके, तो इतना प्रेशर एक्सर्ट होने वाला है लिक्विड कॉलम का एट द बॉटम. ओके, मतलब ऊपर हाइट जीरो रहता है तो वहां पर प्रेशर कम होता है इस लिक्विड कॉलम की वजह से, ऊपर सिर्फ एटमॉस्फेयर की वजह से प्रेशर होगा. ओके, और फिर जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ने वाला है. तो इस लिक्विड कॉलम, कोई भी लिक्विड कॉलम जिसका हाइट एच होता है तो वो अपने बॉटम में कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, रो जी एच. इज इट ओके? दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मतलब कोई भी लिक्विड कॉलम लेते हैं हम, तो लिक्विड कॉलम क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है एट द बॉटम ऑफ द बीकर, और वो जो भी मतलब लिक्विड का सेक्शन रहेगा वो अपने बॉटम पार्ट पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा और वो प्रेशर इतना रहेगा, रो जी एच. ओके, तो ये अच्छे से याद रखना है आपको. ठीक है, डेरिवेशन समझ में आ गया, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड. तो इस वजह से मतलब इसे इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी की वजह से भी कहा जाता है, ग्रेविटी की वजह से वो एम जी वहां पर मास एक्ट हुआ था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इस वजह से ये डेरिवेशन आता है. इज इट ओके? इसमें ये बायोन फोर्स का भी कंसेप्ट है लेकिन उसका फॉर्मूला हमें डायरेक्टली यहाँ पर यूज नहीं करना पड़ा. ओके, तो ये पहला बीट है हाइड्रोस्टैटिक्स का जो आपको पता होना जरूरी है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड. ओके, तो मैं इसे अब रफ करता हूँ, आई होप आपने ये लिख कर लिया होगा. हुआ है सभी का लिख कर? ओके, सभी का लिख कर हुआ है क्या बताओ, जल्दी से कन्फर्मेशन दो वरना मैं रफ करता हूँ. ओके, ठीक है, तो ये फर्स्ट डेरिवेशन याद रखना हाइड्रोस्टैटिक्स का,
सिंपल पार्ट है हाइड्रोस्टैटिक्स। तो आप देखिएगा नेक्स्ट बिट रहेगा पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ अब देखिएगा इसका स्टेटमेंट कैसा रहेगा। पास्कल्स ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने हमें ये लॉ बताया प्रेशर से रिलेटेड, इसी वजह से पास्कल को हम ऐसा यूनिट कहते हैं प्रेशर का। ओके उसी साइंटिस्ट का हम नाम दे देते हैं। ओके सो पास्कल्स लॉ कैसे स्टेट करता है आप देखिएगा। आपको पता होगा लिक्विड का एक प्रॉपर्टी होता है लिक्विड सभी डायरेक्शन में सेम प्रेशर एक्सर्ट करता है। ओके मतलब कहीं से भी वो कम नहीं करता है, कहीं से भी ज्यादा नहीं करता है, सभी डायरेक्शंस में वो इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है। जैसे अगर हम एक बलून लेते हैं और उस बलून के अंदर अगर वाटर फिल करते हैं ना, तो वो बलून देखा होगा आपने सब तरफ से ग्लो होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक ही तरफ से वो ग्लो होगा, सब मतलब लिक्विड का एक प्रॉपर्टी होता है लिक्विड, या फिर हम फ्लूइड्स को भी कह सकते हैं। फ्लूइड मतलब उसमें लिक्विड भी आ सकता है और गैसेस भी आ सकते हैं। तो गैसेस के प्रेशर एक्सर्ट करने में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और वो ऐसा होता है कि फ्लूइड एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर्स इन ऑल डायरेक्शंस। ओके तो देखिएगा लिक्विड एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है लिक्विड प्रेशर का। और पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट अब क्या रहेगा देखिएगा। इफ द प्रेशर इन एन एनक्लोज्ड फ्लूइड इज चेंज्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट at a particular point the change is transmitted to every point of the fluid and to the walls of the container. Without being diminished in magnitude. मतलब क्या कहना है इस लॉ का देखिएगा। इफ द प्रेशर इन एन एनक्लोज फ्लूइड, एनक्लोज फ्लूइड मतलब एक कंटेनर के अंदर फ्लूइड हमें एनक्लोज करना है और क्या करना है हमें उसका किसी भी एक पॉइंट पर प्रेशर हमें चेंज करना है। ओके और वो चेंज जो होता है वो पूरे लिक्विड में ट्रांसमिट किया जाता है और सभी मतलब डायरेक्शन में सेम प्रेशर वो एक्सेप्ट करता है लिक्विड। ओके और पॉसिबल जो डायरेक्शन रहेंगे सभी पॉसिबल डायरेक्शन में सेम प्रेशर एक्सेप्ट होने वाला है। ओके मतलब ये एक प्रैक्टिकली मतलब इसका एग्जांपल एग्जैक्टली कहाँ पर होता है वो देखते हैं हम। जहाँ पर आपको पता है कार को रिपेयर करते हैं तो वहाँ पर है ना ऐसे मतलब ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है और इसका लॉजिक यूज़ किया जाता है। जो सर्विस सेंटर्स होते हैं आपने देखा होगा वहाँ पर, तो वहाँ पर एक बड़ा सा हिस्सा होता है जहाँ पर वो कार को लिफ्ट करते हैं बाय यूजिंग दिस फिनोमिनॉन। इस फिनोमिनॉन के अंदर क्या होता है देखिएगा, एक सबसे छोटा मतलब एक पिस्टन होता है यहाँ पर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है, इसे वो गोल गोल घुमाकर नीचे के डायरेक्शन में मतलब प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए वहां पर ये रखा जाता है। इस टैंक के अंदर पूरा फ्लूइड फील्ड होता है और एक बड़ा सा सेक्शन होता है यहाँ पर
तो ऐसा ये बड़ा वाला सेक्शन रहता है, इस सेक्शन का एरिया ए टू रहेगा और इस सेक्शन का एरिया ए वन रहेगा। अब यहाँ से अगर हम फोर्स एफ वन अप्लाई करते हैं ना, तो फिर प्रेशर पी यहाँ पर एक्सर्ट होने वाला है, तो यही इतना ही प्रेशर वहां पर भी एक्सर्ट होता है, लेकिन वहां पर एरिया ज्यादा होने के कारण वहां पर फोर्स ज्यादा एक्सर्ट हो जाता है। ओके, तो इस वजह से हम थोड़ा भी अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम यहाँ पर जो रखा हुआ चीज है, जैसे यहाँ पर एक कार को अगर हम रख देते हैं, तो फिर इस कार को भी हम क्या कर सकते हैं, इजिली लिफ्ट कर सकते हैं। इज इट ओके? मतलब जितना ये पिस्टन नीचे जाएगा उतने ही फोर्स से ये जो कार रहेगा ये ऊपर लिफ्ट होने वाला है। इसी को मतलब हम पास्कल्स लॉ कहते हैं। मतलब यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम होता है, तो जितना इस एरिया का डिफरेंस रहता है, ये एरिया ए टू बड़ा है और ये एरिया ए वन कम है, तो जितना इस एरिया का रेशो होगा, बड़े एरिया को ए टू को अगर हम ए वन से डिवाइड करेंगे, तो उतने टाइम से फोर्स यहाँ का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू दिस केस। ओके, तो कुछ रीजन की वजह से मीटिंग डिस्कनेक्ट हुआ था, एक बार फिर से हम देखते हैं। तो जो लॉ मैंने बताया था वो पास्कल्स लॉ था। पास्कल्स लॉ क्या कहता है हमें कि अगर हम लिक्विड के कोई भी एक जगह से अगर मतलब एक एनक्लोज फ्लूइड अगर रहा, तो उसमें अगर हम कहीं से भी अगर प्रेशर थोड़ा चेंज करते हैं, तो वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड से सब तरफ अप्लाई किया जाता है। ओके, तो इसी पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन हम अलग अलग जगह पर हाइड्रोलिक जैक्स, हाइड्रोलिक लिफ्ट्स, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, इन सभी फिनोमिनॉन्स में यही प्रिंसिपल हम यूज करते हैं। ओके, तो आप देखिएगा, जैसे मैंने अभी डायग्राम निकाला था कि एक कंटेनर होगा, इस कंटेनर में यहाँ से एक छोटा सा पिस्टन होगा, यहाँ से हम एफ वन फोर्स अप्लाई करने वाले नीचे के डायरेक्शन में, और इसका एरिया ए वन रहेगा। एक यहाँ का जो सेक्शन रहेगा इसका एरिया बहुत बड़ा रहेगा, इसे हम ए टू कहेंगे इस एरिया को, और इसके ऊपर हम कुछ भी मतलब रख सकते हैं, जो जो भी चीज हीवी रहेगा उसे लिफ्ट करने के लिए हम ये पास्कल्स लॉ यूज करते हैं यहाँ पर। तो यहां से अगर हम ये पिस्टन को नीचे नीचे अगर मतलब फोर्स अप्लाई करने के लिए, मतलब ये पूरा लिक्विड से फिल्ड रहेगा यहाँ पर, और थोड़ा भी अगर हम यहाँ पर प्रेशर चेंज करते हैं इस सेक्शन में, तो उतना ही प्रेशर यहाँ पर एक्सर्ट होता है, लेकिन ये प्रेशर यहाँ पर फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। आपको पता होगा यहाँ का जो मतलब प्रेशर रहेगा, ये हम प्रेशर निकाल सकते हैं एफ वन बाय ए वन से। ओके, तो यहाँ पर एरिया छोटा है तो यहाँ पर कम फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन वही अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ए टू है, तो ये जो फोर्स है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है दूसरे केस में। मतलब वहां पर भी प्रेशर सेम क्रिएट होता है, क्योंकि फ्लूइड का प्रॉपर्टी है, यहाँ पर जितना प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर यहाँ पर भी होगा। इस वजह से यहाँ पर जो रहेगा वो एफ टू बाय ए टू आएगा। इज इट ओके? तो दोनों भी प्रेशर इक्वल होने के कारण अगर हम दोनों को इक्वेट करते हैं, एफ वन बाय ए वन इज इक्वल टू एफ टू बाय ए टू। ओके, तो फिर देखिएगा ये जो एफ टू रहेगा फोर्स, ये अगर हमें निकालना है तो ये ए टू बाय ए वन इंटू एफ वन रहेगा। इसी को पास्कल्स लॉ कहा जाता है। मतलब जितना एरिया ज्यादा होगा ना इस साइड का, ये ए टू जितने टाइम ज्यादा होगा, मतलब हम इमेजिन करेंगे कि यहाँ का एरिया ए वन है, इसका दुगना एरिया यहाँ पर है, ए टू इज टू टाइम्स ऑफ ए वन, तो यहाँ पर अगर आप 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हो ना, तो यहाँ पर अल्टीमेटली 20 न्यूटन फोर्स इस कार पर अप्लाई होने वाला है। अगर ये एरिया थ्री टाइम्स लेते हैं हम, तो 30 न्यूटन होगा, 10 टाइम्स लेते हैं तो 100 न्यूटन होगा। मतलब कम फोर्स अप्लाई करके आप ज्यादा इफेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस लॉ। दिस लॉ इज कॉल्ड एज पास्कल्स लॉ। आई होप आप सभी ने ये लिखा होगा। ओके, एक बार मैं इसका स्टेटमेंट रीड करता हूँ, अगर किसी का लिखना रह गया होगा तो लिख लीजिएगा। इफ द प्रेशर इन एन एनक्लोज फ्लूइड इज चेंज्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, द चेंज इज ट्रांसमिटेड टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड एंड टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर विदाउट बींग डिमिनिश्ड इन मैग्नीट्यूड। तो ऐसा ये स्टेटमेंट रहेगा रिलेटेड टू द पास्कल्स लॉ। ओके, तो सभी को समझ में आ गया, यही फॉर्मूला याद रखना है। पास्कल्स लॉ अगर आपको आता है इसके ऊपर न्यूमेरिकल, तो इतने बिट पर आएगा। इज इट ओके? दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो अब देखिएगा नेक्स्ट बिट रहेगा इस टॉपिक का।
बायोन्सी, मतलब वही जो बायोन फोर्स मैंने आपको बताया था वो है, और उसके ऊपर ही डिपेंडेंट एक लॉ है जो हमें देखना है, दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, साइंटिस्ट आर्किमिडीज ने बताया हुआ ये प्रिंसिपल है जिसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहा जाता है। ओके, तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हम रिलेटिव डेंसिटी या फिर मतलब जो भी चीजें होती है कैलकुलेशन करने की फ्लूइड्स की वो हम कर सकते हैं, मतलब। और ये जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ये शिप डिजाइनिंग में भी यूज किया जाता है, तो वहां पर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। मतलब क्या रहेगा अभी आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखिएगा, जैसे एक एक ऐसा एक टेस्ट ट्यूब है जिससे जिसको हम यहां से इनक्लोज मतलब देखिएगा, ऐसा ये टेस्ट ट्यूब है और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, पानी फिल करने वाले हैं, वाटर फिल करने वाले हैं। तो ये वाटर यहाँ तक ही रहेगा, इज इट ओके, ये इसका लेवल रहेगा मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ से होल होने के कारण इसके ऊपर अगर हम थोड़ा भी वाटर डाल देते हैं तो ये वाटर नीचे चला जाएगा इस इंक्लोजर के जरिए, और यहाँ पर एक कलेक्टर कंटेनर रहेगा, एक वेसल रहेगा जो कलेक्ट करने वाला है। तो अब इसकी चीज इसके अंदर हमें क्या करना है, एक स्टोन रहेगा इरेगुलर शेप का, जिसे हमें क्या करना है इस वाटर के अंदर डीप करना है। तो जैसे स्टोन हम इस वाटर के अंदर डीप करेंगे तो ये इस ये जो वाटर रहेगा इसका ये कुछ ना कुछ वॉल्यूम डिस्प्लेस करने वाला है। तो जितना ये वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा उतना ही वाटर क्या होता है इस बीकर के अंदर गिरने वाला है। तो इस बीकर के अंदर के वाटर का अगर हम वॉल्यूम मेजर करते हैं ना तो उतना ही वॉल्यूम इस स्टोन का रहने वाला है। तो इस वजह से आप कोई भी इरेगुलर बॉडीज अगर रहते हैं तो उनका अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो हम इस वजह से निकाल सकते हैं। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल का, मतलब आर्किमिडीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट भी वही है, लिक्विड का वॉल्यूम जितना डिस्प्लेस करेगा मतलब कोई भी बॉडी लिक्विड का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करता है उतना ही उसके ऊपर बायोन फोर्स एक्ट होता है। ओके, उतना ही लिक्विड उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा। दिस इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द आर्किमिडीज लॉ। ओके, मतलब ये प्रिंसिपल है आर्किमिडीज का जो हमें बताया हुआ है। ओके, और क्या कहता है अब ये लिख लीजिएगा, इट स्टेट्स दैट आर्किमिडीज प्रिंसिपल, साइंटिस्ट आर्किमिडीज ने बताया हुआ है, तो इसका स्टेटमेंट लिखिएगा, इट स्टेट दैट अपवर्ड बायोन फोर्स ऑन अ बॉडी that is partially or totally totally immersed in a fluid is equal to the weight of the fluid displaced by it. तो देखिएगा क्या कहता है ये स्टेटमेंट, अपवर्ड बायोन फोर्स बॉडी पर उतना ही एक्ट होता है, लेकिन ये कौन से बॉडी पर एप्लीकेबल लॉ है, सिर्फ ये टोटली या फिर पार्शियली जो बॉडीज फील्ड मतलब रहेंगे ना वाटर को जो मतलब आपको पता होगा कुछ सब्सटेंसेस फ्लोट होते हैं और मतलब कुछ बॉडीज जो फ्लोट होने वाली बॉडीज है उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। ओके, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल सिर्फ उसके ऊपर ही एप्लीकेबल है जो बॉडीज पार्शियली या फिर कंप्लीटली इमर्स्ड होने वाले लिक्विड के अंदर। ओके, तभी उसी बॉडी पर ये एप्लीकेबल लॉ है। ओके, मतलब ये स्टोन जब तक हम कम्प्लीटली इस वाटर को डिस्प्लेस नहीं करते, मतलब कम्प्लीटली जब हम इसके अंदर इमर्स नहीं करते हैं तब तक इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम मैच नहीं होगा, मतलब ये जो वॉल्यूम ये डिस्प्लेस करने वाला है वाटर का उसका और इस स्टोन के वॉल्यूम का कुछ भी रिलेशन नहीं रहेगा अगर ये टोटली इमर्स नहीं होता है।
फ्लोटिंग बॉडी के ऊपर ये एप्लीकेबल लॉ नहीं है, बहुत अच्छे से याद रखना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल डजंट एप्लीकेबल ऑन फ्लोटिंग बॉडी, इट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन टोटली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड। ओके, तो इसके ऊपर एक लॉ मतलब एक डेरिवेशन टाइप उन्होंने दिया है, यही मतलब लॉ रहेगा। यही लॉ रहेगा, आप देखिएगा, जिसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहा जाता है, मतलब इसका स्टेटमेंट भी यहाँ पर लिखा है। अब इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, देखिएगा, एक टैंक रहेगा जिस टैंक के अंदर कुछ हाइट तक वाटर है और इसके अंदर एक पीस हम इमर्स करने वाले हैं। इस पीस का अब जो लेंथ रहेगा यहाँ से यहाँ तक का वो एल रहेगा, ओके, और यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है वो एच वन रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है वो एच टू रहेगा, और इस फ्लूइड का जो डेंसिटी है, मतलब ऊपर से आपको पता है एटमॉस्फेयर से हमेशा लिक्विड के फ्री सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट होता है, दैट इज पी नॉट, ओके, और यहाँ पर जो हाइट है एच वन और एच टू, इन हाइट की वजह से भी इसके अपर और लोअर पार्ट पर प्रेशर एक्सर्ट होने वाला है, ओके, तो वो हाइट के कॉलम की वजह से भी होगा, और एज वेल एज ऊपर पी नॉट तो कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है, और आपको पता होगा इसके ऊपर बायोन फोर्स एक्ट होगा एफ टू, और ऊपर से फोर्स एक्ट होने वाला है एफ वन, तो ऐसा ही बीट रहेगा। तो जो भी बॉडी यहाँ पर इमर्स्ड होने वाला है उसका जो डेंसिटी रहेगा वो हम रो एज्यूम कर रहे हैं, ओके, मतलब इस बॉडी का भी कुछ डेंसिटी रहेगा और इस लिक्विड का भी कुछ डेंसिटी रहेगा, तो इस लिक्विड के डेंसिटी को हम पर्टिकुलरली सिग्मा से डिनोट करते हैं, और ये जो बॉडी रहेगा इसके डेंसिटी को हम रो से डिनोट करने वाले हैं, ठीक है, तो बॉडी का जो डेंसिटी है वो रो रहेगा, और जो सब्सटेंस मतलब जो लिक्विड रहेगा उसे हम सिग्मा से इंडिकेट कर रहे हैं। अच्छे से डायग्राम निकालिएगा, अब देखिएगा इस लिक्विड के अपवर्ड पार्ट पर जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है F1, तो वो रहेगा A इंटू P1, इस बॉडी का एरिया और जो प्रेशर रहेगा उसके साथ ही इक्वल रहेगा, तो A इन ब्रैकेट प्रेशर इन अपवर्ड डायरेक्शन क्या रहेगा आप देखिएगा, पहले तो P0 रहेगा प्लस जो लिक्विड का कॉलम है वहां पर H1 हाइट का लिक्विड कॉलम है, तो H1 हाइट की वजह से आपको पता होगा सिग्मा इंटू जी इंटू H1, तो इतना प्रेशर एक्सर्ट होने वाला है अपवर्ड डायरेक्शन में, इज इट ओके, टॉप सरफेस पर इसके इतना फोर्स एक्सपीरियंस होने वाला है, ओके, प्रेशर एच वन सिग्मा जी प्लस पी नॉट रहेगा, ओके, और लोअर फेस पर अगर हम देखते हैं, ठीक है, रिपीट करता हूं, देखिएगा अपवर्ड फेस पर इसके ए मतलब आपको पता है फोर्स और प्रेशर का रिलेशन ये रहता है, ए पी वन एफ वन इज इक्वल टू ए पी वन होगा इज इक्वल टू A इन ब्रैकेट P1, मतलब आप देखिएगा प्रेशर क्या रहेगा, ये जो फोर्स है टॉप फेस पर इस सब्सटेंस के अप्लाई किया हुआ नजर आ रहा है, तो ये फोर्स वन कैसे निकलेगा, पहले तो हमें प्रेशर P0 लेना पड़ेगा, ओके, P0 आपको पता है प्रेशर को अगर हम एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमें फोर्स मिल जाता है, तो हम प्रेशर के बारे में पर्टिकुलरली बात करते हैं, तो टॉप फेस पर इस बॉडी के कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर उस लिक्विड के फ्री सर्फेस तक रहेगा, अब इस फ्री सरफेस से नीचे ये लिक्विड कितने हाइट का है, एच वन हाइट का है, तो इस वजह से हाइट मतलब आपको मैंने बोला था लिक्विड कॉलम के हाइट की वजह से भी प्रेशर एक्सर्ट होता है और वो एच रो जी होता है, इज इट ओके, एच रो जी, लेकिन यहाँ पर रो की जगह हम सिग्मा लेने वाले हैं, ओके, और वो हाइट जो रहेगा टॉप फेस का वो एच वन है, इस वजह से एच वन इंटू सिग्मा इंटू जी रहेगा, इज इट ओके, मतलब लिक्विड कॉलम के हाइट की वजह से प्रेशर एक्सर्ट होगा एच वन सिग्मा जी, ओके, और जो फ्री सरफेस रहेगा उसके ऊपर पी नॉट प्रेशर एक्सर्ट होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इस वाइज ये पूरा बीट रहेगा लाइक दैट। इसके बॉटम फेस पर जो प्रेशर रहेगा वो ए इंटू पी टू रहेगा, और ए इंटू पी टू का वैल्यू अब यहाँ पर क्या रहेगा आप देखिएगा, बताओ मुझे आप पी टू का वैल्यू क्या रहेगा, इसी लॉजिक से आपको आंसर निकालना है, इसके बॉटम सर्फेस पर कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा, इसी लॉजिक से आंसर देने की कोशिश करो, बॉटम सर्फेस का हाइट देखो और फाइनली आंसर बताओ क्या रहेगा, ठीक है, अब देखिएगा यहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, बॉटम सरफेस पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट प्लस सिग्मा इंटू जी इंटू एच वन की जगह यहां पर एच टू आने वाला है, इज इट ओके, बस इतना फर्क आने वाला है यहां पर, ओके, सिग्मा रो नहीं रहेगा, अब डेंसिटी यहां पर आप देखिएगा हम सिग्मा से इंडिकेट कर रहे हैं, तो इस वजह से सिग्मा जी इंटू एच टू, ओके, और पी नॉट भी रहेगा, इसमें भी पी नॉट का एडिशन करना पड़ेगा, ओके,
तो ऐसा ही पूरा बीट रहेगा। अब यहाँ पर देखिएगा मीटिंग का टाइम खत्म होने को आ गया है, नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग पार्ट देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द स्क्रीन, फिर नेक्स्ट डेरिवेशन करते हो समय इसके आगे का जो डेरिवेशन रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। लेकिन वहां पर जाने से पहले जितना पढ़ाया हुआ ये बीट उतने बीट का मतलब इस बीट का स्क्रीनशॉट ले लो और ये स्टेटमेंट याद रखना आर्किमिडीज प्रिंसिपल का, कोई भी लिक्विड पर उतना ही मतलब उतना ही